नमस्कार साथियों, मैं हूं रामनिवास मेहरा, जो आज आपके लिए इस वीडियो में ब्रेकिंग न्यूज लेकर उपस्थित हूं। ब्रेकिंग न्यूज बताने से पहले मेरा आपसे छोटा सा निवेदन रहेगा कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और साथ में घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर आल पर भी क्लिक कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन और कंटेंट लगातार आपको इस चैनल पर परिचित किए जाते हैं। आइए साथियों, परिचित होते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। जो साथियों, 6D की कार्यवाही जो की जानी थी उसे आगामी आदेशों तक स्थगित कर दिया गया है। इसके लिए मैं सबूत के तौर पर कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर का वो आदेश लेकर आपके साथ उपस्थित हूँ जिसमें ये जानकारी हमें दी गई है। तो आदेश में हमें लिखा गया है, उपर्युक्त विषय अंतर्गत लेख है कि माध्यमिक शिक्षा में पद विरुद्ध अधिशेष राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) सेटअप परिवर्तन के कार्मिकों के समायोजन पदस्थापन की कार्रवाई के संबंध में जारी संख्यांक आदेश दिनांक 11/5/2023 को आगामी आदेशों तक स्थगित कर किया जाता है। तो साथियों, 11/5/2023 को जो आदेश जारी हुआ था जिसमें कहा गया था कि हमारे जो कार्मिक पद के विरुद्ध अधिशेष और अधिशेष जो हमारे कार्मिक थे उनको 6D सेटअप के तहत माध्यमिक शिक्षा में जाना था, परंतु अब जो वो आदेश जारी हुआ था उसमें आगामी आदेशों तक रोक लगा दी गई है। इसमें आगे स्पष्ट लिखा गया है, अतः आगामी आदेशों तक कोई कार्रवाई संपादित नहीं की जाएगी। तो साथियों, हमारे जो कार्मिक या हमारे जो साथी बेचैन थे कि भाई उनका सेटअप परिवर्तन हो जाएगा, उनके घर से कहीं उनका दूर पदस्थापन हो जाएगा, ऐसी उनके अंतर्गत आशंका थी, तो अभी आगामी आदेशों तक उनको कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। जो 6D सेटअप परिवर्तन होने वाला था आगामी आदेशों तक स्थगित किया गया है, तो आपको अब उससे रिलीफ मिलेगी। हमारे सभी कार्मिक इसकी मांग कर रहे थे कि इस आदेश पर अतिशीघ्र रोक लगनी चाहिए, तो अब विभाग द्वारा इस पर रोक लगा दी गई है। तो जानकारी आपको कैसी लगी साथियों, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और क्या आपके मन में भी शंका थी कि आपका 6D सेटअप परिवर्तन हो जाएगा और आपके घर से कहीं दूर पदस्थापित हो जाएंगे, ऐसी शंका यदि आपके मन में थी तो भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। और जो मैं वीडियो आप तक पहुँचा रहा हूँ वो आपको कैसे लग रहे हैं उससे संबंधित भी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। और हाँ साथियों, आप वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो ये दोनों कार्य का भी आप ध्यान रखिएगा। मिलते हैं साथियों अगले अपडेट तक, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।